This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार एनबीसीएन न्यूज की टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुद्दे पर आज बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 4 बजे राज्य के हालात को रिव्यू करने के लिए है। पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी कंचनगंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला समेत 4 नक्सली मारे गए। पीएम मोदी ने बकरीद की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे यह विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी, एक आतंकी को मार गिराया गया है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारा एक ऐसा मुल्क है जहां सभी धर्म मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं, सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल अजहा के मौके पर दरगाह पंजाब शरीफ में नमाज अदा की। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा और नेत्रोत्सव पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का कहना है कि अब हमारी चिंता है कि कार उत्सव ठीक से संपन्न हो जाए। सिकंदराबाद इलाके में दवा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद पुलिस आसपास के इलाकों को खाली करा रही है। आरएसपुरा सेक्टर में रविवार रात आग लगने से मधुमक्खी पालन के बड़ी संख्या में बक्से जलकर खाक हो गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें अमरनाथ यात्रा मार्ग और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। नासिक जिले के गांव पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। पीने के पानी लाने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कुएं सूख चुके हैं जिसकी वजह से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। नागपुर के कामटी में रविवार को तेज रफ्तार निजी बस और एक ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर हो गई, जिसमें सेना के 2 जवानों की मौत हो गई जबकि घायल 6 जवान सहित 7 लोग घायल है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि जिस दिन से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उस दिन से रविंद्र वायकर के खिलाफ शिवसेना यूबीटी के तरफ से तमाम अफवाहें फैलाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के बावजूद एक शख्स को अवैध रूप से अनुमति देने के आरोप में वनराय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए की कुछ सीटें जरूर कम हुई है, लेकिन लोकतंत्र में हम लोगों की भावना को स्वीकार करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें अमरनाथ यात्रा मार्ग और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र के सांगली की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम ने चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया, जिस पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से बयान आया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को लोकसभा स्पीकर का पद नहीं देती तो इंडिया गठबंधन उनके प्रत्याशी को समर्थन करेगा। मिर्जापुर सीजन 3 कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है। ऐसे में एक्साइटमेंट पीक पर है। वही कहा जा रहा है कि सीजन 3 में कुछ किरदार नजर आने वाले हैं। ऐसी ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। धन्यवाद।